मेरी शक्ल के बच चुके हैं 12, बच चुके हैं नहीं है, बजे ही रहते हैं 24 घंटे। यही कि रीज़न यही होता है कि मेरे को एलर्जी रहती है फेस पे बहुत ज़्यादा, डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, और जैसे मान लो कोई मेकअप वेकअप यूज़ करते हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो फिर मुझे हर चीज़ सोच समझ के लगानी पड़ती है, क्या करें क्या ना करें, एलर्जी वाला फेस है। तो हमेशा मेरी शक्ल ऐसी ही रहती है, बुझी बुझी सी। मैं कितना भी कुछ खा लूँ, कितना भी कुछ लगा लूँ फेस पे, तब भी फेस मेरा ऐसा ही रहता है। मतलब फेस पे ग्लो नहीं रहता, फेस पे रहता है, ऐसी बात नहीं है ग्लो नहीं रहता, अच्छी रहती है मेरी स्किन। कभी कभी तो बहुत सुंदर लगती है, पर मेकअप मुझे सूट नहीं करता, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। कभी कभी होता है जैसे कुछ फंक्शन हो या कुछ भी हो, मेकअप कर लेती हूँ, और उस फंक्शन के चक्कर में मेकअप करने के बाद मुझे कम से कम 10 डेज़ के लिए फेस के ऊपर मेडिसिन अप्लाई करनी पड़ती है फेस को सेट करने के लिए, क्योंकि मेरा फेस पे स्वेलिंग हो जाती है मेकअप करने के बाद, और इचिंग विचिंग शुरू हो जाती है। तो अभी मेरी मेडिसिन भी चल रही है डॉक्टर से, अभी मुझे जाना है इसी मंथ के एंड में जाना है डॉक्टर से मेडिसिन लेने। अगेन 3 मंथ की लेके आई थी, अभी फिर जाना है। तो मेडिसिन खा के बुरा हाल हो गया स्किन का। तो आप ये देख रहे हैं, ये इतने सारे जो कपड़े पड़े हुए हैं, ये तो थोड़े से तो आदित्य के हैं बस, ये ब्लू वाला और ये वाला, और ये देखिए जितने भी कपड़े पड़े हैं ना, ये सारे के सारे मेरे हैं। ये पूरा इतना बड़ा बैग भरा हुआ है, ये भी मेरा है, इधर भरा हुआ है वो भी मेरा है, उधर है वो भी मेरा है, ये है ये भी मेरा है, और अभी और पड़े हैं बहुत से हैं। पर फिर भी ऐसा लगता है कि यार कपड़े ही नहीं है, पता नहीं क्यों कमी सी लगती है कपड़ों की ना, खलती रहती है कपड़ों की कमी की, यार कपड़े और होने चाहिए। अब जगह नहीं है रखने के लिए बिल्कुल भी, कपड़ों की अलमीरा में भरी हुई है। फिर भी और लेने की इच्छा होती है और लेने। और ये देखिए ये दुपट्टा है ये वाला, ये मतलब मेरी शादी का है, जब मेरी शादी हुई थी तब ये दुपट्टा मेरे को मेरे ससुराल वालों ने दिया था, मतलब ओढ़ा था। अभी तो ये फट चुका है यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा गंदा, मतलब फटा हुआ है थोड़ा सा, बट उस टाइम यही फैशन था यार, बहुत साल हो गए शादी को, पर अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि बुरा लगता है। वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, वही चीज़ होती है, प्यारा है दुपट्टा। अभी कर रही हूँ मैं सारे कपड़ों की सेटिंग, फिर मैं देखती हूँ क्या और कैसे कैसे कपड़े रखती हूँ कैसे नहीं रखती। आज ने बनाए हैं गोभी के पराठे, ये बन रही है चाय, इधर हो रहे हैं करेले फ्राई, हो गए हैं करेले, अभी ये रहे आज हम बनाए करेले, करेले फ्राई हो रहे हैं, इधर गोभी का पराठा बन रहा है, और इधर आदित्य वेट कर रहा है। आदित्य की हल्की स्माइल अभी आने वाली है, हल्की सी स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। और दिखाती हूँ मैं आपको, इधर जो टफी जी हैं वो अपने पापा के चरणों में सोए हुए हैं, अभी वो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसकी आज खिचड़ी बनी है, उसको हल्का खाना देना है, डॉक्टर ने बोला है। ये देखो राहुल खा खा के परांठे गोभी वाले, और गोभी जैसा मुंह हो रहा है इसका, फूल गया है, जिम जैसा बंद करके। चल बता कौन खिलाते तेरे को परांठे, मैं क्यों खिलाऊंगी तेरे को परांठे, ये तो बता। माँ तो ये चाहती है कि अपना बच्चा तंदुरुस्त हो हमेशा, ठीक है, लेकिन खुद को सोचना चाहिए ना कि तेरे लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। मंडे से जिम भी जाना है। अब टफी का नाश्ता रेडी हो चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको टफी का नाश्ता, वो देखो अपने पापा की तरफ देख रहे जाते हुए। गाइज मैंने मीशो से ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया है, अच्छा है काफ़ी, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। इसे मार्केट में लेते हैं थोड़ा सॉफ्ट होती है, ये हार्ड है और सुंदर है। ये इसके पार्टीशन दिए हुए हैं ऐसे, इसे मान लो आप नहीं ऐसा क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप से आप इसको बीच में आप पार्टीशन करके अपने ज्वेलरी रख सकते हैं।
मैं रखूंगी अपनी ज्वेलरी थोड़ी देर में, इसको सेट करके फिर आपको दिखाऊंगी इस बॉक्स के अंदर मैंने ज्वेलरी अपनी कैसे सेट करके रखी हुई है। तो गाइस मेरे पास है ये वाली ज्वेलरी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। अब इस ज्वेलरी को मैं इस बॉक्स में शिफ्ट करने वाली हूँ, देखते हैं क्या क्या फिट आता है इनमें से। तो मैंने इस तरीके से अपनी जो ज्वेलरी है वो थोड़ा सेट की है। इसमें मैंने सारे जो मेरे मतलब पर्ल के होते हैं, जैसे ये वाला है, ये भी पर्ल का है, ये भी पर्ल है, तो वो सेट कर दिया। ऊपर थोड़ा जरकन वगैरह है, वो सारे सेट करके रख दिए हैं। देखिए इसमें सारा जैसे सिल्वर टाइप सा कुछ होता है उसको सेट कर दिया, और इसमें ये सारा गोल्डन वगैरह जो भी होता है, और इधर ये सारे सेट मैंने सेट करके रखे हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैंने ये कहाँ कहाँ से ख़रीदे थे। ये जो ये वाला है ये तो मैंने मीशो से लिया, ये वाला मीशो से लिया, ये वाला भी मैंने मीशो से लिया, और इसके अलावा क्या मीशो से लिया था, बस जो मैंने ज्वेलरी में तो इतना ही मीशो से लिया, और भी कुछ लिया है मीशो से, मैं आपको दिखाऊँगी। तो मेरे पास डिनर सेट पड़ा हुआ था पुराने वाला, तो मैंने जो स्टील के जो मेरे बर्तन हैं वो मैंने सारे निकाल दिए, थोड़े टूट गए थे बर्तन, वो कटोरियाँ वगैरह प्लेट्स वगैरह टूट गई, तो मैंने सोचा चल छोड़ देते हैं। फिर मैंने नया अपना जो पड़ा हुआ था मेरे घर में मैंने वो यूज़ कर लिया। अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। ये वाला ये प्लेट्स हो गई, और ऐसे ही चलो कुछ नया हो जाएगा, काफ़ी दिनों से नए बर्तनों में खाना भी नहीं खाया। ये देखिए ये मैंने डिनर सेट मेरा निकाल लिया है अभी जो नया है, और आज हम इस नए में खाना खाएंगे जल्दी जल्दी। काफ़ी दिनों से हमने बर्तन बर्तन भी नहीं चेंज किए थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो आज कर लेते हैं। ये जो स्टील वाले बर्तन हैं वो दे दिए, और ये जो घर पड़े हुए थे मतलब डिनर सेट वगैरह, तो फिर वो मैंने आज लगाया है। और थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने भी चेंज किया, थोड़ा सा बोर हो गए थे स्टील वाले बर्तन में खाना खा खा के। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें।